मेरे YouTube चैनल इसका नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित हेमंत। दोस्तों बात करने वाले इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, तो कहीं जाइएगा मैं चैनल पर नहीं तो चैनल से जुड़िए। दोस्तों जिस तरीके से पहला T20 मैच रहा था, जिस तरीके से पहले T20 मैच में आप पार्थ चिंतन को जोरदार मुंह के खाने पूरी, ठीक उसी तरीके से दूसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने सेम पूरी तरीके से वही कायबाद रची, वही बल्लेबाज जिन्होंने पहले T20 मैच में परफॉर्मेंस दी, सेकंड T20 मैच में वही बल्लेबाजों का दबदबा रहा। पूरे मैच का विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। शुरुआत करते हुए जैसे कि भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज टीम दोनों टीमों में जो गेंदबाजी का स्तर है, आई थिंक मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी के मुकाबले कहीं थोड़ी सी लचर है, और इस वजह से आई थिंक हो सके जो टीम पहले टॉस जीते बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बाद में आप लक्ष्य को डिफेंड करना बहुत ईजी हो सकता है, और थोड़ा तो लक्ष्य को टारगेट को पाना और डिफेंड करना दोनों में ये अंतर है कि अगर सामने वाली टीम की गेंदबाजी अच्छी है तो वहाँ से फिर आपको लक्ष्य को पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह थी जो मुझे लगा भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, और मुझे लग रहा था कि भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी की पहले, लेकिन ओपनर जिन ओपनर ने कभी पहले T20 मैच में जो शुभमन गिल थे चाहे वो ईशान किशन, दोनों ने निराश किया। इस मैच में भी दोनों ने निराश किया, और किशन 27 रन और शुभमन गिल 7 रन स्कोर पे, और अंजारी जोसेफ इस मैच में चले, अंजारी जोसेफ ने इस मैच में 2 विकेट निकाले। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन के लिए जो मैं हमेशा से मैंने बात कही है कि एक दिन होगा उनका जिसमें चलेंगे, अदरवाइज बाकी दिन है और उनके लिए कुछ सिफर जीरो के अलावा कुछ नहीं है। कुछ इसी तरीके की उनके अब तक की परफॉर्मेंस जो हमने देखी है वो ऐसी दर्शाती है कि सिर्फ एक दिन है उनका जिस दिन वो चल सकते हैं, आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते कि प्रतिदिन हर एक मैच में उनका परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है, या जैसे हालात है जो हमारी पोजिशन है उस T20 मैच के दौरान उस सीरीज के दौरान, तो हम इस खिलाड़ी पर भरोसा कर सकते हैं, स्टेबिलिटी हमें देगा, ऐसा नहीं है। सो भारतीय टीम को एक तो ओपनरों की अब जरूरत है, इसकी तलाश बहुत जल्द शुरू करनी चाहिए। दूसरी टीम बात ये करूँगा अकील हुसैन, देखिए वेस्ट इंडीज का ये गेंदबाज है, सिर्फ T20 मैचेज में मैंने खेलते हुए देखा, अदरवाइज कहीं टेस्ट में ओडीआई में अभी तक और जो श्रृंखला भारतीय साथ बीत गई उसमें भी उनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन अकील हुसैन की जो गेंदबाजी है मैंने हमेशा देखा जी वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में अपोजिशन के बल्लेबाजों बांध देते हैं, एक आध विकेट निकालते हैं, और वहाँ से वो चार ओवर जो इनका स्पेल है ना वो टर्निंग पॉइंट होता मैच का, जिस तरीके से वो अपनी गेंदबाजी को लूप देते हैं, जिस तरीके से वरीयता निकालते हैं गेंदबाजी में ना, और चाहे उन्होंने पहले विकेट में आपका मैं कहूँगा जो तिलक वर्मा की विकेट निकाले, अगर आप लोगों ने मैच को देखा तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी करते करते बहुत बढ़िया गेंद पे वो थोड़ा सा स्ट्रोक गलत स्ट्रोक पे चले गए और वहाँ की विकेट निकल गई, और यही बात खास वजह रही कि तिलक वर्मा का आउट होने के बाद तुरंत संजू सैमसन को 7 रन के स्कोर पर स्टंप आउट करा था, जो अकील हुसैन की गेंदबाजी की बात कर रहे थे, वो एक अपने 4 ओवर के स्पेल में सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से मुझे बांध दे रखते हैं। तो भारतीय टीम की अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तिलक वर्मा आई थिंक इज जस्ट फाइंडिंग अ गुड वे, और IPL से लेकर अब तक का जो इनका परफॉर्मेंस रहा है ना, आई थिंक इनको प्रमोट करने की जरूरत है, इनको सूर्य कुमार यादव से पहले भेजने की जरूरत है, और ये गेंदबाज बल्लेबाज बेहतरीन दिशा में खेल रहा है, आई थिंक दिस द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन जरूरत है कि आप यहाँ से इसको मौके देते चलो, इनको बेस बना के इसका चलना चाहिए, भाई अब आप इस पोजिशन पर ऑलमोस्ट हर एक मैच में खेलोगे, वो इस खिलाड़ी के लिए एक बूस्टर होगा कि हमें अब मेरी सीट पक्की हो रही है, मुझे बेहतरीन करना है। जिस तरीके से रोमानियो सैफर की गेंदबाजी है, मैं कहूँगा कि दोनों ही मैचों में और रोमानियो सैफर एक तरह से बेहतरीन गेंदबाज वेस्ट इंडीज के लिए निकल के आ रहे हैं, और बल्लेबाजी में भी बदल तो हम सभी जानते हैं, 2 विकेट इस मैच में भी निकाले उन्होंने, कहीं ना कहीं जो एक मिडिल ऑर्डर का जो एक फेस होता है ना जहाँ से वो 13-14 ओवर से लेके 18-19 ओवर तक का वो जो दौर चलता है जहाँ बल्लेबाज थोड़ा सा फ्रीडम लेने की कोशिश करता है, वहाँ बल्लेबाज थोड़ी सी और चहलकदमी करने की कोशिश करता है, वहाँ पर आपके पास एक ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो उस चहलकदमी उस फ्रीडम को थोड़ा सा रोक सके, उसमें रोमानियो सैफर फिट बैठते हैं, वो मौका है, आई थिंक इज ओवर ऑफ द स्टार्टिंग के दौर में सिर्फ उन्होंने 2-3 रन दिए थे,
वेस्ट इंडीज की छोटे छोटे स्पेल के गेंदबाज बेहतरीन कर रहे हैं, लास्ट में थोड़ा सा हाथ खोलने के लिए तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या ने जो कोशिश की, भारतीय, और उसके बाद से क्या अक्षर पटेल 14 रन, भारतीय टीम का स्कोर बना 200 रन। एक और बहुत बड़ी चीज जो मुझे नजर आई, अक्षर पटेल का यूज क्यों ना करना। डेढ़ दो साल पहले का दौरा हुआ जब अक्षर पटेल आई थिंक ही इज द ओनली प्लेयर इन वेस्ट इंडीज टीम और इंडियन टीम इन वेस्ट इंडीज टूर के, शायद वो मैंने भी सीरीज ऑलमोस्ट सभी फॉर्मेट्स में थे और इनकी गेंदबाजी का एक तरह से ऐसा सुनारी है तो छाप सूची थी वेस्ट इंडीज टीम की गेंदबाजी से। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत चक्कर रह गई थी, कहीं मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। उसके बाद से फिर जिम्बाब्वे का दौरा था, वहाँ अक्षर पटेल की गेंदबाजी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दिए। अगर आप अक्षर पटेल को एक टीम मैच के रूप में इलेवन में जगह दे रहे हो, आप उनकी गेंदबाजी का यूज़ नहीं कर रहे, समझ से परे है ना, कि अपना जो ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे, ये एक चिंताजनक विषय है। वेस्ट इंडीज टीम 152 रन के लक्ष्य में पीछा करना उतरी और स्टार्ट में ब्रैंडन किंग और कैली मार्क दोनों युक्ति और बहुत जल्दी भारतीय टीम ने निकाली एक तरफ से, और सुदीप और एक तरफ से हार्दिक पांड्या ने स्टार्टिंग ब्रेक से खिलाई भारतीय टीम को, और ऐसा लगा कि 152 रन। और उसके बाद तीसरी विकेट चार्ल्स की निकली जिसे हार्दिक पांड्या ने, हार्दिक पांड्या जब अपनी कप्तानी में गेंदबाजी करते हैं तो वो रॉक सॉलिड लगते हैं, शायद वो अपनी गेंदबाजी की जिम्मेदारी को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं, अपने कप्तानी में गेंदबाजी की जिम्मेदारी को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं, उसको अमल अच्छे तरीके से करते हैं, शायद दिमाग थोड़ा और ज़्यादा चलता अधिक होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी गेंदबाजी किस तरीके की है, मुझे किस तरीके की फील्ड में गेंदबाजी करनी है, हर एक आदमी अपने बारे में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानता है। लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडीज टीम का जो हम सबको ऐसा लगा था शायद कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज टीम थोड़ा सा प्रदर्शन या थोड़ा सा झटका है, लेकिन पूरन और उसके बाद पिछले मैच के स्टार ओवर पालन पालन दोनों ने सदीवी शुरुआत सदा हुआ पॉल, लेकिन 40 रन तक कोई हाफ पटक की शॉट्स नहीं खेले, धीरे धीरे सिंगल डबल से शॉट्स निकालते गए और ओवर पालन ने उनका अच्छा साथ दिया, उसके बाद से फिर निकोलस पूरन ने हर एक गेंद को बेहतरीन स्ट्रोक लगाया। और जहाँ तक गेंदबाजी जो जिसका विश्लेषण हम सभी करना चाहते थे उसको पूरी तरीके से अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ सिमरन हेटमायर खड़े हैं, वो एक स्तंभ हो गए कि भाई पीछे खिलाड़ी है जो डुबकी इस नैया को बचा सकता है, और ऐसे ही उन्होंने किया। 22 रन की बेहतरीन पारी खेली उन्होंने और जब तक उनकी विकेट गिरी वेस्ट इंडीज टीम इस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। पूरी चीज़ों में अगर एक खास बात जो भारतीय गेंदबाजी जिसे मैं मानता हूँ कि वेस्ट इंडीज के मुकाबले में काफ़ी लचर है, हार्दिक पांड्या 4 ओवर 35 रन 3 विकेट, अर्षदीप 4 ओवर 34 रन 1 विकेट, लोकेश कुमार ऑलमोस्ट 4 ओवर में 1 विकेट, बिश्नोई 4 में 31 रन, विजेंद्र चहल 3 ओवर 2 विकेट। पिछले मैच में लेकिन चहल की गेंदबाजी एक ही ओवर में 2 शानदार विकेट निकाली थी उन्होंने, डोंट यू थिंक सो कि इस मैच में युवराज चहल को बॉलिंग अटैक पर लाने में थोड़ी सी देरी कर दी, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको समय के हिसाब से कुछ चीज़ें आपको भाई इस खिलाड़ी का इम्पैक्ट सामने वाले पर कैसा है उस चीज़ को भी ध्यान में रखकर चलने की जरूरत होती है। चहल की गेंदबाजी पहले T20 मैच में नजर आया कि वेस्ट इंडीज बल्लेबाज उतने सहज नजर नहीं आए, आई थिंक उन्होंने फर्स्ट डाउन यूज कर सकता था, फर्स्ट चेंज बॉलिंग पे मैं लेवन चेयर को यूज़ कर सकता था, जहाँ पर निकोलस पुलन और रोबर्ट पाल की बल्लेबाजी थोड़ी सी जमती हुई दिखा दी थी, एक हमारे अंदर एक पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह की मृत्यु चल रही है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होगा तो आप वहाँ पे लेग ब्रीफ और ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जैसे कि होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर आप उनको यूज़ नहीं करोगे, अगर आपको यूज आप पता है वेस्ट इंडीज में 5 से 7 प्लेयर हैं जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है तो फिर तो आप उनको खिलाओ, मतलब ये वेस्ट हो रहे, आपने शायद इसी एक गणित को फॉलो करते हुए क्षेत्र को गेंदबाजी नहीं दी, आखिर आप उनके साथ, और इस बात पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि भाई आप किसी एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की वजह से आप उस गेंदबाजी काबिलियत पर शक कर सकते हो, सिक्स किसी भी कर सकते हो, बाउंड्रीज किसी को कोई ला सकती है, टेस्ट मैच की लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने लेफ्ट ही गेंदबाज बॉलिंग ही नहीं करेगा, लेग स्पिनर गेंदबाज बॉलिंग नहीं करेगा, अनिल कुंबले हुए, शेन वॉर्न हुए, दीज आर द
one of the greatest ever spinner. They both are left spinner. तो उनका तो करियर ही खत्म हो उस जमाने में. ब्रायन लारा जैसा शरीर का बल्लेबाज तो था ही नहीं. उनका तो करियर खत्म हो जाना चाहिए. क्योंकि ये जो एक मिथ चल रहा है, जो एक कावा सी चल रही है कि भाई लेफ्टी गेंदबाज या लेफ्ट स्पिनर लेफ्ट हैंडर के सामने गेंदबाजी नहीं कराऊंगा तो उसे उसको बेशक उसे एक भी ओवर ना मिले हम मैच हारा, लेकिन मैं इस मिथ के सहारे चलूंगा. वेस्ट इंडीज टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया. दो पाँच टी20 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है. तो ये एक तरह की जो कायबाद आप लोगों ने फॉलो करने की, इसको तोड़ने की जरूरत है. गेंदबाजी को थोड़ा बेहतरीन करने की जरूरत है. ओपनिंग बल्लेबाजी चलने की जरूरत है. बहुत कुछ है भारतीय टीम जो इस सीरीज में सीखने की जरूरत है. आई थिंक उन्हें कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात वो जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है ना मैनेजमेंट टीम मैच में और कुछ सीनियर प्लेयर्स में, शायद उसको भी टूटने की जरूरत है. जिस तरीके से आप मौके दीजिए, तो इस तरीके से मौके देने का मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं सबसे परे है. दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा. कमेंट सेक्शन में सोशल साइट पर भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको मेरे बच्चे दिखाई देंगे. तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार जानते. थैंक यू सो मच.